हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आरना सिंह एम बी स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और इस वीडियो में यार जैसे कि आप टाइटल देख रहे हो बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कमिट कर रहे होगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो यार बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा स्पेशली मेरे टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको कि उन्होंने इतना यार मेरे को वेल विशेज़ दिए फॉर स्पीडी एंड क्विक रिकवरी क्योंकि मेरा कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया था एंड मैं यू नो करीब दस दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में था एम्स के राइट तो इसलिए यार आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले चौदह दिन से काफी इनएक्टिव था एंड मैंने आपको कट ऑफ का पी डी एफ किया था अपने पिछले वीडियो में राइट right? जो कि चौदह दिन पहले करीब बनी होगी राइट right? तो मैं वो कट ऑफ पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया पर मैं अब अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं राइट आई एम एज फिट एज ए फिडल नाउ तो अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा रख सकता हूँ कट ऑफ की पीडीएफ यार मैंने प्रोवाइड कर दिया अपना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंसोनिया ने नेहारिस राइट इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कई लोग लिंक से नहीं एक्सेस कर पाते टेलीग्राम चैनल को उनके लिए मैंने स्टेप्स भी मैंशन कर दिए कि कैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो राइट तो आप प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये जो पीडीएफ है ना कट ऑफ की इसमें मैंने क्या किया है आपको रैंक वाइज प्रोवाइड कर दिया है कि कौन सा कॉलेज किस कट ऑफ पे पिछले साल बंद हुआ था और ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है पी के पहले पेज में कि ट्वेंटी मार्क्स आप ऐड कर लो क्योंकि इस बार हर कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने वाला है पेपर इजी था आप सभी जानते हो राइट और आ, किस रैंक पे ये कॉलेज बंद हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ठीक है तो करीब 200 प्लस कॉलेजेस मैंने कवर कर रखे हैं ठीक है मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा एंड काउंसलिंग का प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा राइट तो यार बिगेस्ट मिस्टेक की बात करते हैं अभी हो क्या रहा है आप सबके साथ और मैंने ये चीज़ इंस्टाग्राम पे देखी इसलिए मैंने सोचा कि पहली वीडियो जब मैं एक बार ठीक हो जाऊँ रिकवर कर जाऊँ उसके बाद जो पहली वीडियो मैं बनाऊँगा वो इसी पे होगी बिगेस्ट मिस्टेक पे और ये चीज़ मैं बहुत कॉमनली अभी नोटिस कर रहा हूं आप मेरे से रिलेट कर पाओगे हंड्रेड ठीक है तो देखो नी ट्वेंटी आप अपियर किए राइट जिनके 550 से कम मार्क्स है ना यार वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ क्या कर रहे हैं ना एक सबसे बड़ी गलती जो वो क्या कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनका ये जो सिली मिस्टेक है ना उसके वजह से ये इतने नंबर कम आए हैं उनके 550 से कम 400, 450, वो नंबर इसलिए उनके आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिली मिस्टेक किया अब देखो यार जब आप ये बात कंसिडर करते हो ना यार सिली मिस्टेक आपने किया है और उसकी वजह से नंबर कम आ रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं आपको लगता है यार कि आपका रीडिंग एरर रीडिंग के वजह से हो सकता है बबलिंग के वजह से हो सकता है या फिर कैलकुलेशन के वजह से आपके पेपर में नंबर कम आए हैं एंड क्योंकि आपने ये सारी गलती किए पेपर में नंबर कम आए हैं तो आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप नीट ट्वेंटी में फोड़ के आ जाओगे इंप्रूव करके आ जाओगे ठीक है आप थ्योरी पार्ट कंसिडर ही नहीं करते हो राइट और आपको लगता है कि रेट्रो गेड स्टडी करूंगा इन द सेंस कि मैं क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी सीख लूंगा एंड वही सारी थ्योरी जो है ना मेरे नेक्स्ट ईयर जो पेपर आएगा ना नीट में ठीक ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा एंड uh, उस, उन, उसी थ्योरी से उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू मैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फोर के आ जाऊंगा जबकि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि आप में ये एक ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे नॉलेज लैक क्यू ना है इन द सेंस नॉलेज डिफेक्ट है नॉलेज डेफिसिट है जिसके वजह से आपका 550 से कम नंबर आ रहा है ये सिली मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो रहा है टू सम एक्सटेंट यार देखो सिली मिस्टेक्स भी कंट्रीब्यूट करती है कि आ, आपका नंबर कम क्यों आया राइट right? पर यार इतना कम नंबर सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो सकता आप ये चीज एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नॉलेज डिफेक्ट रहा है आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं थ्योरी वाइज कमजोर रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से यार अगर आप सोच रहो नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑफ के आ जाओगे तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ठीक है आपका माइंडसेट काफ़ी वीक रहेगा आप ना काफ़ी लैक्स लैक्स रहोगे आप सोचोगे कि पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा जो कि गलत चीज़ है ठीक है अब ये चीज़ ना यार इतनी ऑब्वियस चीज़ नहीं है ये जो मैंने बोला ना अभी इतना ऑब्वियस नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि यार देखो हमारे माइंड को क्या लगता है ना जो टफ चीज़ होती है ना वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते रिजेक्ट कर देता हमारा माइंड राइट टफ चीज ये एक्सेप्ट करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमें नॉलेज का डिफेक्ट है क्यों ये टफ है एक्सेप्ट करना क्योंकि देखो यार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का जो पेपर है ना उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला अब क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला ये फैक्ट हम लोग जानते हैं तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ भाई एक्स्ट्रा टाइम मिलने के बावजूद मेरे थ्योरी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहा है और उसके वजह से मेरा पेपर ख़राब गया हम सिंपली ये अपने आप को यू नो कन्विंस कर देते हैं कि यार आ, पेपर ना मतलब मेरे को आता था सिली मिस्टेक हो गया उसके वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे इसकी एनर्जी मैं आपको देता हूँ यार देखो जब भी आप कोई टेस्ट पेपर दियोगे राइट ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे होगे गए आपके मम्मी पापा पूछते होंगे भाई कितने नंबर आए टेस्ट में ठीक है कितने क्वेश्चन सही किए तो आप बोलते होंगे यार आज का पेपर बिगड़ गया आई एम रियली सॉरी नेक्स्ट टाइम अच्छा करूंगा इस बार सिली मिस्टेक हो गई इस बार पेपर थोड़ा टफ बन गया इस बार यार बबली मिस्टेक हो गई या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए अब कभी उनको जाके बोल्यो कि हाँ यार मैंने पढ़ाई पूरी नहीं कंप्लीट की थी ठीक है इसके वजह से मेरे नंबर कम आ रहे पढ़ाई पूरी नहीं की थी इसके वजह से मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया अब सब कुछ क्या कहते हो सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक ठीक है यही रीजन दे के आते हो अपने मम्मी पापा को आप अपने आप को बचाने के लिए राइट कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की आपको डांट ना पड़े तो आप ये बोलते थे सिली मिस्टेक हो गई यार कुछ ना कुछ कंडीशन एग्जाम में ख़राब थे जिसकी वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया राइट right? यहां पे आप ये गलती मत करो यार सिली मिस्टेक को करारो मत ठीक है सिर्फ इसको कंसीडर मत करो ये भी कंसीडर करो कि आपके अंदर नॉलेज लगना था और ये चीज़ उतनी ऑब्वियस नहीं है अब वीडियो में मैंने आपको बता दिया तब आपको ये बात रियलाइज हो रोगी और आप अपने आप से पूछो क्या सच्ची में सिली मिस्टेक ही मेन प्रॉब्लम थी कम नंबर आने की वजह थी मेन वजह नहीं होगी राइट right? अब अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे अपने आ, ये जो है नॉलेज लैक ना उसको क्लासिफाई करो और कैसे क्लासिफाई करने के बाद आप उसको ट्रीट करो राइट right? तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि नॉलेज डिफेक्ट था हमारे अंदर राइट right? अब ये जो नॉलेज डिफेक्ट है ना मैं आपको चाहता हूँ कि एल बी डब्ल्यू स्कीम के थ्रू आप क्लासिफाई करो एल बी डब्ल्यू स्कीम कुछ ऐसा कुछ स्टैंडर्ड स्कीम नहीं है Uh, ये क्लासिफिकेशन मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है राइट तो आप काफी रिलेट कर पाओगे ये एलबीडब्ल्यू जो चीज है ना इसको अगर आप नहीं फॉलो करोगे ना तो नीट 2021 में एनटीए जो आपकी एम्पायर होगी ना फिंगर ऊपर उठा देगी दे इट विल रेज इट फिंगर और आपको पवेलियन जाना पड़ेगा और फिर नीट ट्वेंटी के लिए अपीयर करना पड़ेगा फिर से बैटिंग के लिए आना पड़ेगा अब एलबीडब्ल्यू में है क्या कि आपका नॉलेज लाके जो है ना उसको आपको तीन पार्ट में क्लासीफाई करना एल बी डब्ल्यू पहला आप वो चैप्टर पे एल लिख दो जिसको आपने इंटायरली या पार्शियली कंप्लीट किया था राइट right? सॉरी छोड़ दिया था या पार्शियली छोड़ दिया था कंप्लीट नहीं किया था मतलब समझ रहे हो तो जो लेफ्ट वाले चैप्टर्स हैं उन उन पे आप एल लिख दो आपके जो 96 राइट right? उनमें आप जाके देखो यार अपनी बायो की बुक रखो इंडेक्स खोलो केमिस्ट्री की बुक रखो इंडेक्स खोलो फिजिक्स की बुक रखो इंडेक्स खोलो राइट right? एनसीआरटी की बुक्स खोल लो और उसमें देखो यार कौन कौन से जेन्यनली वो चैप्टर्स जिन्होंने जिनको आपने छोड़ दिया था पार्शियली या इंटायरली ही नहीं था ठीक है बी ऑनेस्ट विथ मतलब वो रिविजन पढ़ा था एल मत क्लासीफाई करना राइट right? आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया था कभी ना कभी पढ़ा है ठीक है पर रिवाइज आपने नहीं किया आई नो ये फनी साउंड करता है कि आपके पास छह महीने का एक्स्ट्रा टाइम था करीब फिर भी आपने वो चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाए राइट right? या फिर रिवाइज नहीं कर पाए पर ऐसा स्टूडेंट के साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ऐसा क्लासिफाई करो अब ये आपके ब्रोकन कॉन्सेप्ट और इनकम्प्लीट चैप्टर वाला आपने क्लासिफाई कर दिया बी के थ्रू ओके okay? और तीसरा जो है जो डब्ल्यू है यहां का इस क्लासिफिकेशन का वो क्या है वो है वर्किंग ऑफ फॉर्मूलास और एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, राइट इसका मतलब क्या है यार कि आपने चैप्टर कंप्लीट किया था रिवाइज किया एडिक्वेट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं की थी तो वर्किंग ऑफ द फॉर्मुलाज नहीं समझ पाए। sense, कैसे करना है उस को यूज करना नहीं आता है। आपको को में करना नहीं आता है। आपको फॉर्मुलेज याद होंगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है रिवाइज किया है फॉर्मुलेज आपको याद होंगे फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक्स के आपको माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन या फिर कोई भी जो फॉर्मुला आपको आता होगा थर्मोडाइनिक्स के आपको फॉर्मुलेज आते हैं पर आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ना वो नहीं जानते हो राइट तो ये वर्किंग वाला आपका डिफेक्ट हो गया अब ये सारी चीज आपकी नॉलेज लैकनेस है राइट ये सिली मिस्टेक नहीं है राइट भाई ठीक ये प्लीज अपने दिमाग में बैठा लो अब एक बार आपको मालूम चल गया ना यार आपकी गलती क्या है ओके तो आपको अब क्या करना है उसको करेक्ट correct करना करेक्शन कैसे करना जो आपको एल और जो बी वाली चीजें है ना जो थ्योरी वाली प्योरली थ्योरी वाली चीज़ें होगी उसको आप एन से नोट से ऑनलाइन या प्राइवेट ट्यूटर से आपके कोई भी है उनके पास आप जाओ ठीक है उनसे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो प्लीज ये चीज़ आप क्लासिफाई इसलिए कर लो यार क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा आपके पास काफी समय है आपने ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है नीट 2020 दे रखा है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी नीट 2021 में ठीक और आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो प्लीज यार पहले भी समय आपके पास ज्यादा नहीं था अभी भी आपके पास ज्यादा समय नहीं है सब कुछ स्क्रैच से मत पढ़ो एल बी डब्ल्यू में क्लासीफाई कर लो एल और बी जो है ना उन्हीं पर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्ट्रेस करो ठीक है उन्हीं को सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है क्योंकि आप वो चैप्टर्स ना कंप्लीटली छोड़ के गए थे या तो आप उनको इनकम्प्लीट रिविजन दे के गए थे राइट एल और बी वाले तो वो जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है ना प्लीज़ उनको आप क्या करो एन से एक बार देख लो रिवाइज कर लो या फिर कभी नहीं पढ़े हो एल कैटेगरी में तो तो एक बार पढ़ो उसको स्क्रैच से उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करो खुद से प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन कोई कोई भी ट्यूटर या फिर प्राइवेट ट्यूटर उनको हायर करो ठीक है एंड अच्छे से उनसे कॉन्सेप्ट सीखो ठीक और फिर आपका एल बी कवर हो गया और ये डब्ल्यू वाले चीज़ होगी जिनकी वर्किंग आपकी नहीं आती जिन चैप्टर्स की वर्किंग आपको नहीं आती यानी कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है एडिकुएट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ उन चैप्टर्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है आंसर एंड सोल्यूशन देखना है एंड उसके बाद जाके आपको अपने मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे गलतियां होंगी गलतियों को करेक्ट करना है राइट उनसे सीखते रहना है राइट तो एडिकुएट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करने इनकेस आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी चैप्टर्स के एडिकुएट नंबर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द ऑडियो सल्यूशन्स एंड टेक्सुअल सोल्यूशंस तो प्लीज वो पी डी एफ आप डाउनलोड कर लीजिए ऑथेंटिक क्वेश्चन है उनको करके नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी प्लस सिक्योर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर माई क्वेश्चन बैंक अचीवर बैच के अंदर है मेरा क्वेश्चन बैंक हाई हिल टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक उसका लिंक इनरोमेंट का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो ऑल द बेस्ट गाइज कीप हसलिंग प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल आगे मैं और वीडियोज बनाता रहूंगा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मैं एक इलाबोरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको बता सकू इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन सो ऑल द बेस्ट गाइज कीप हसलिंग ऑल द बेस्ट